समझ आ जाता है चलो आई एम रियली हैप्पी की आप इतना रिकॉर्ड दे रहे हैं तो अ क्विक रिविजन कह लो अ क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक जो मैं आपको uh, दे पाऊंगी इसके ऊपर सो so, इस वीडियो के वुड ट्राई टू डू तो सबसे पहले नोट मेकिंग है क्या बहुत इजी टॉपिक है बिल्कुल भी इसको सर पे नहीं चढ़ाना कि है क्या ये सो इट्स वेरी इजी व्हाट यू हैव टू एग्जैक्टली डू इन दिस आपको एक पैराग्राफ आएगा एक स्टेंजा होगा तो उसके बेसिस पे आपको नोट्स बनाने हैं अब नोट्स जब बनाते हैं तो आपको पता होगा हम सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखते हैं नेवर एवर राइट इन डिटेल और नोट्स में जो हम क्विक नोट्स देते हैं किसी की स्पीच के किसी के इंटरव्यू के वी नेवर बॉदर अबाउट द ग्रामर यहाँ भी यही करना है ग्रामेटिकली साउंड नहीं होने चाहिए आपके सेंटेंसेज आपको मेन पॉइंट ही लिखने हैं तो नोट मेकिंग इज अ वे टू राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट

Are used, for example, private for private, पूरा प्राइवेट लिखने की बजाय पी लिमिटेड का आप एल ए टी डी डॉट डाल दोगे तो इसका मतलब लिमिटेड और एंड में आप बता दोगे कि आपने एवरीवेशन यूज की एक फॉर्मेट आपको बताऊंगा करके बताऊंगी अभी तो टाइटल आपने ऐसे लिखना है जैसे फॉर एग्जाम्पल ही आई पॉल्यूशन हेडिंग आ गई आपकी सबसे पहले आपने टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन बता दिया उसके बाद या तो यहाँ आप बुलेट्स डालो या आप फर्स्ट हैडिंग के बाद 1.1, 1.2, 1.3 डालो या आप नंबर वन के बाद आगे ए बी सी डालो दैट्स ऑफ पोल्यूशन आ गया उसके साथ ऐसे ही या 2.1, 2.2, 2.3 डालो या आप ए बी सी डालो दैट्स अप टू यू अब यहाँ पे ये सीओ टू यूज किया है जो हर किसी को नहीं पता होगा शॉर्ट फॉर्म है तो में आपने ये निकाल के बता देना मैक्सिमम एक नोट मेकिंग में आप फोर यूज कर सकते हो ऑल राइट आई थिंक दिस वुड बी इनफ अब एक एग्जाम्पल हाउ टू सॉल्व दिस दिस इज अ वेरी इजी एग्जाम्पल कि समझना क्या है आपने नोट मेकिंग क्या है सबसे पहले तो आप ऐसे कोई भी पैसेज आपको पेपर में आएगा उसको आपको पढ़ना है अब एक ही ग्लांस से आप देख पा रहे हो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग

So, global warming is not a conqueror to kneel before, but a challenge to rise to. A challenge we must rise to. So a challenge is global warming, global warming is a major atmospheric issue all over the world. It has become the most worrying threat for the Earth's atmosphere as it is reducing the life possibilities on Earth. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है जी एक मेजर एटमॉस्फेरिक इश्यू बन चुका है ये मोस्ट वरिंग थ्रेट बन चुका है और ये रिड्यूस कर रहा है, को, ये है. तो इस में हमारा हमें क्या बताया गया है ग्लोबल वार्मिंग है क्या तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कंटिन्यूस वार्मिंग अब इसकी हेडिंग आपकी बनेगी ग्लोबल वार्मिंग राइट जैसे कि यहां बना के दिखाई गई है ये देखिए साथ साथ बना दिया आपके लिए सो वॉट इज ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूस वार्मिंग ऑफ अर्थ उसके बाद मेजर एटमोस्फेरिक इश्यू फिर द मोस्ट वरिंग लाइफ थ्रेट थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो इसको आप लीडिंग टू डेंजर टू लाइफ या पुटिंग लाइफ इन डेंजर दैट्स ग्रामर यहां पे नहीं चाहिए आपका ये फॉर्मेट ऊपर टाइटल देना है टाइटल भी कुछ भी बन सकता है डेंजर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग नहीं कुछ समझ में आ रहा सिंपल ग्लोबल वार्मिंग गोइंग बैक टू योर प्रीवियस पेज अब हाउ एवर द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर पड़ी है हमने इंक्रीज इंक्रीजीशन कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है अब ये क्यों है देखो यहां इन्होंने थोड़ा सा ऐसे घुमा के बात की है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के रीजंस क्या हैं। इट मींस बात हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के रीजंस। तो ग्लोबल वार्मिंग के रीजंस क्या हैं? डिफॉरेस्टेशन है यूज ऑफ कोल गैस ऑयल इनकी बर्निंग है फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग है बर्निंग ऑफ गैसोलाइन है ट्रांसपोर्टेशन के लिए अननेसेसरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है राइट right? ये सारे कॉजेज हैं रीजंस हैं एंड Which in turn leads to. Uh, leads to मतलब ये हैं, कि ये कैसे इफेक्ट करता है राइट right? अगर मैं एक एक वर्ड पढ़ने लगी तो वीडियो इज गोइंग टू तो बी रियली बोरिंग तो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट क्रिस्प मेरे हिसाब से इतना ज्यादा टाइम इसको चाहिए ही नहीं आप आराम से समझ पाओगे इट इज नॉट दैट टफ अ टॉपिक सो रीजन या कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग के इंक्रीज लेवल ऑफ अब मैंने यहां सी टू लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय और ये रहा आपका एवरीविएशन जो अभी मैंने आपको बताया एवरीविएशन में आप लिखिए सीओ टू स्टैंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या क्या रीजन है डिफॉरेस्टेशन है यूज ऑफ कोल ऑयल फॉसिल फ्यूल्स है और भी वहां पे थे तो यहाँ पे 2.4, 2.5 लिख के यू कैन मैं इसके बाद आ गए इफेक्ट्स इफेक्ट्स क्या थे अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा Increased sea level, floods, storms, cyclones, damage of ozone layer, changed weather patterns. Yes, or life is close to extinction. Yes, are the effects. Right? Now, this paragraph is but I am only trying to make it short and crisp and easy to learn. So, effects of global warming rise in Earth's temperature, rise in sea level, damage of ozone, and so on. अब मैंने यहाँ भी टेम्परेचर कंप्लीट लिखने की बजाय आई 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 हैव डन हैव रिटर्न इट इन शॉर्ट फॉर्म तो एवरी ये भी आप टी एम पी डॉट डाल के आगे बता सकते हैं कि दिस दिस फॉर पूरे स्पेलिंग आप यहाँ लिख के बता सकते हैं सो दिस इज हाउ अब जितना आगे आपके पास पैराग्राफ्स हैं पॉइंट्स हैं उतना ही आप इस नोट मेकिंग को आगे बढ़ा सकते हो जैसे यहाँ पे हमारा लास्ट पैराग्राफ आ गया global warming is a vicious circle. efforts should be made to get it eradicated worldwide. we cannot blame any single entity for this, as each and every human being is responsible for the increased threat of global warming, which can be solved by global awareness and united efforts of each person. so we should take an oath to preserve the motherland for future generations by controlling and reducing global warming. तो यहाँ बात हो रही है कि हम क्या कर सकते हैं तो आपका नेक्स्ट हेडिंग बनेगा वॉट कैन बी डन राइट वॉट कैन बी डन हाउ टू प्रिवेंट इट इसको रोकना कैसे है हाउ टू स्टॉप इट हाउ टू प्रिवेंट इट और उसके बाद ये एवरीवेशन इस पूरे स्टैंडा की आगे सब हेडिंग्स बना के आप दे देंगे विच आई विल कीप वेटिंग इन द कॉमेंट सेक्शन Agar apye last paragraph. It means apko note making a So all the very best. I hope this is going to be helpful for you in your finals. Bye for now. Happy learning. Take care of yourself and may God bless you with good marks in your final exams.